चार दिन तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज के दिन छठी मैया की पूजा के लिए प्रसाद बनाया जाता है और शाम को सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लेकिन अर्घ देने से पूर्व घाट पर सायंकाल में बांस की टोकरी में छठ पूजा में शामिल सभी पूजा सामग्री जैसे फल पकवान आदि को अर्घ के रूप में सजाया जाता है और इसके बाद अपने परिवार के साथ सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। अर्घ के समय सभी लोग पवित्र नदी या घाट के किनारे एकत्रित हो सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और छठ के प्रसाद से भरे हुए सूप की छठी मैया की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन माना गया है। छठी मैया निसंतानों को संतान प्रदान करती है। संतानों की लंबी आयु के लिए यह पूजा की जाती है। वहीं यह भी माना गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध अश्वत्थामा द्वारा कर दिया गया था। तब उन्हें बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी व्रत यानी कि छठ पूजा करने की सलाह दी थी। वहीं सूर्यास्त के समय परिवार के साथ सभी सदस्य नदी किनारे या फिर तालाब के पास जाते हैं। छठ घाट की तरह जाते हुए रास्ते में महिलाएं लोक गीत भी गाती हैं और फिर साथ में मिलकर डूबते हुए सूर्य को विधि विधान के साथ अर्घ देती हैं। उसके बाद लोग सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। चार दिवसीय छठ पूजा पर्व में तीसरे दिन का सबसे विशेष महत्व बनाया गया है।